नमस्कार दोस्तों, जनरली मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉगिंग वीडियोस, डेली लाइफ वीडियोस, ट्रेवल वीडियोस या फिर इस तरह के या कुछ फनी वीडियोस डालता हूँ। लेकिन आज मैं एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा लेके आया हूँ जो कि पिछले 2 दिन से काफ़ी चर्चा में। मैं खुद उस दौर से गुजर रहा हूँ और एक बेरोजगार युवा उस दौर से गुजर रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या CHO का पेपर लीक हुआ है, पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट कि राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसने क्या उस पर कमेंट दिया है या क्या उसने बयान दिया है और क्या आदेश दिए हैं। तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि SOG एक संस्था है जिसको जो ये लीक का मामला है, पूरा ये मुद्दा उठा है, उसको ये ऑर्डर दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं चयन बोर्ड द्वारा, राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा, कि ये जाँच करनी है, इस वैकेंसी को रद्द करना है, क्या करना है। ये 3 मेन मुद्दे या मेन टॉपिक यूँ कहें कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी मैं इस वीडियो खत्म करूँगा, बिकॉज आई नो एक युवा वीडियो देख देख के परेशान हो गया होगा अब तक कि क्या हुआ है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है। मैं भी फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को दिया है और मुझे खुद को पता है कि जब ये न्यूज़ मैंने सुनी तो मेरे दिल पे क्या गुजरी। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक जो बेरोजगार युवा, हालांकि एक चीज़ थोड़ी अलग है कि मैं पहले से मेरे पास एक रोजगार है, छोटा सा रोजगार है, लेकिन राजस्थान से बहुत दूर है। तो राजस्थान आने के लिए मेरे पास एकमात्र तरीका यही था CHO, जो मैं एक एम्स की रेपुटेड जॉब को छोड़ के मैं आने को तैयार था। लेकिन जो अपना सिस्टम है, जो अपना व्यवस्था है, जो अपने यूं कहें कि कोई अधिकारी कहें या कोई नेता कहें या फिर जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर कौन जिम्मेदार है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इस वीडियो में हम सब पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये बात कंफर्म करते हैं कि क्या CHO का पेपर लीक हुआ है। तो CHO का पेपर लीक हुआ है, ये बहुत सारी न्यूज़ हैं और पुख्ता इनके वो जो होते हैं सबूत चयन बोर्ड के हाथ लग चुके हैं। और पिछले 3 दिन से ये चीज़ें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह वायरल हैं। तो इन सब के पुख्ता सबूत चयन बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं। तो चयन बोर्ड ने अब इसके आगे क्या फैसला लिया है? चयन बोर्ड ने दिए हैं SOG को आदेश कि अब इसकी जांच की जाए कि अगर ये सत्य है और इसमें अगर जो सोशल मीडिया पे और जो ये अफवाहें फैली हुई हैं ये संपूर्ण दिया सत्य है तो इस वैकेंसी को रद्द किया जाएगा। अब बहुत ही सुनने में इतना नॉर्मल लग रहा होगा कि वैकेंसी को रद्द किया जाएगा या फिर भर्ती को रद्द किया जाएगा, भर्ती दोबारा करवाई जाएगी, सुनने में बहुत आसान है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, एक बेरोजगार युवा समझ सकता है और एक पेरेंट्स समझ सकता है, एक अभिभावक समझ सकता है जो एक उम्मीद लगाए बैठा है पिछले 4-5 महीने से, जब से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उस दिन से वो सोचे बैठे थे कि शायद मेरा बच्चा अब एक अच्छी इज्जतदार नौकरी पाएगा और अपने घर की जिम्मेदारी संभालेगा। मैं खुद ये उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद मुझे अब राजस्थान में आने का मौका मिलेगा, मेरे परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा, लेकिन सबकी आशाओं पे पानी फिर गया। तो बात यही है सबसे बड़ी कि रद्द होना और भर्ती दोबारा करवाना ये बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीजें ये है कि एक बेरोजगार युवा 3-4-5 महीने से अपनी शिद्दत से, अपनी लगन से वो तैयारी करता है, वो हर संभव कोशिश करता है, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, वो कोचिंग करता है, वो क्वेश्चन सोल्व करता है, वो अपना जिंदगी को उस 3-4 महीने में भूल के, शादियां भूल के, सब कुछ भूल के वो इस में लगा देता है, इस चीज में लगा देता है कि शायद मुझे एक जॉब मिलेगी, शायद मुझे एक रोजगार मिलेगा। लेकिन चाहे आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, चाहे आप इसके लिए एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराएं, चाहे आप इसके लिए एक अभिभावक को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि अब इस बात पे बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि अभिभावक कैसे जिम्मेदार हो सकता है। आप माने चाहे ना माने, एक लड़का, एक स्टूडेंट, एक बेरोजगार युवा या फिर एक अभ्यर्थी 15-20-10 लाख रुपए कहीं से भी लाके नहीं दे सकता, बशर्ते कि वो अपनी किडनी बेच दे। तो उसको वो पैसे कौन लाके देता है, उसके हाँ कौन भरता है, उसके पीछे होता कौन है? एक पर्दे के पीछे अभिभावक होते हैं जो हाँ भरते हैं कि चलिए मैं पैसे दे दूंगा। अभिभावक को आप एक तरफ रख दें तो उससे पहले जो गिरोह है, कायम है, जिनको ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे फैली हुई हैं कि ऐसा गिरोह सक्रिय है कि जहाँ से पेरेंट्स
पेपर बनता है वहां से पेपर ट्रेस होता है कि यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से इसने पेपर खोला, ये सब खोला, ये सब बातें निकल के आती कहां से, होती कहां, असलियत में ऐसा कुछ होता होगा ना, तभी से बातें बनती होगी ना। बहुत हो चुका है ये सिलसिला, हर कोई भर्ती, हर कोई वैकेंसी रद्द हो रही है, हर कोई वैकेंसी पे ये न्यूज़ सुनने को आ रहा है कि पेपर आउट हो गया, पर्चा लीक हो गया। बहुत आसान होता है एक अखबार वालों को, यूट्यूब वालों को, सोशल मीडिया वालों को, न्यूज़ एजेंसी वालों को एक गर्मा गर्म मुद्दा मिल जाता है कि पर्चा लीक हुआ, बीजेपी ने ये बयान दिया, उसने ये बयान दिया, सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन उस अभ्यर्थी के बारे में कोई सोचता है जो 3 4 5 महीने अपनी जी जान लगा देता है और वो एक उम्मीद पाल के बैठता है कि शायद मुझे रोजगार मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जिस मैंने भी एग्जाम दी थी, जयपुर से मैं आया था यहाँ पे सीकर, तो जिस बस में, जिस सीट पे मैं बैठा था उसके बगल में एक लड़की थी। शायद उस लड़की की तैयारी अव्वल दर्जे की थी। वो जयपुर से लेके सीकर तक जहाँ तक मैं उतरा तब तक कंटिन्यूस यूट्यूब पे वो सोल्यूशन को मैच कर रही थी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। उसने इधर उधर नजर नहीं की। वो अभ्यर्थी होते हैं जो अपनी जी जान से, अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हैं। वो ये उम्मीद वाले बैठे होते हैं कि सरकार की वजह से एक वैकेंसी आई है और मुझे रोजगार मिलेगा और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों की उम्मीदों को मैं खरी उतरूंगी, या फिर यूं कहें कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। लेकिन इस सब के पीछे बस एक छोटी सी चीज आती है, कुछ एक गैंग होते हैं, कुछ सरकार का रोल होता है, कुछ अधिकारियों का रोल होता है और कुछ अभिभावकों का भी रोल भी होता है। इन सब के बाद में एक मुद्दा आता है कि अपनी मानसिकता भी इनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। आप यूं कहेंगे कि मानसिकता कैसे जिम्मेदार हो सकती है, होती है जिम्मेदार। मैं आपको कितने ही केस बता दूं कि अच्छा खासा घर है लेकिन लड़के की शादी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है। लड़का फिट है, उसकी फैमिली ठीक है, उसका घर है, सब कुछ है। वो कम से कम एक औरत का, एक बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। खेती भी तो होती है और भी तो तरीके होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, इतना बड़ा माहौल बना हुआ है कि हाँ, अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके पीछे चाहे वो लड़का शराब पीता हो, वो लड़का कुछ भी करता हो, उसको लड़की मिल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसका सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक बेरोजगार लड़का कब तक चलेगा ये सब? तो आप अकेले सरकार को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, अकेले बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों के लिए दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि अगर ये सच में वैकेंसी लीक हुई है, पर्चा लीक हुआ है, जैसे कि पुख्ता बयान सामने आया, पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं, तो ये वैकेंसी रद्द हो और ये वैकेंसी दोबारा करवाई जाए। बड़े कड़े ही शब्दों में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पीछे खुद ने अपना टाइम वेस्ट किया है, अपना एक लाइफ का एक पार्ट वेस्ट किया है, या यूँ कहें कि मैंने इसके पीछे इन्वेस्ट किया है। वेस्ट अभी तो वेस्ट हो गया, पहले वो इन्वेस्ट था। तो अब दोबारा ऐसा ना हो और सरकार से मैं ये उम्मीद करूंगा कि प्लीज कुछ ऐसे रूल बनाओ, प्लीज ऐसे कुछ कानून बनाओ कि ये सब होना बंद हो। कौन सी वैकेंसी में ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ ये अफवाह नहीं उड़ती है, कब तक ये सब चलेगा? वी आर डन, मिलते हैं अगले वीडियो में।